लंबे समय के बाद मैं पढ़े लिखे कर्मचारियों की बातें सुन रहा हूं इकट्ठे होकर गाहे बगाहे अकेले में या जिन कर्मचारियों से आज मेरा संबंध है उनके माध्यम से तो मैं बातें सुनता भी रहता हूं सुनाता भी रहता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारी इकट्ठे होकर मुझसे अपनी कुछ बातें कहें, उसके लिए तो लंबे अरसे के बाद ये मेरा पहला ही मौका है। कर्मचारियों को इकट्ठे करके उनसे मैं कुछ बात कहूं, इसके लिए मैंने लंबे अरसे से कोशिश नहीं की है। जानबूझकर मैंने ऐसी कोशिश नहीं की है। 1985-86 के बाद जब से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बामसेफ को तोड़ा गया, बामसेफ के कुछ नेताओं को खरीदा गया और जिस बामसेफ को मैंने बहुत लंबा समय लगाकर मेरी पूरी जवानी का समय लगाकर 1965 से लेकर 1985 तक 20 साल में कर्मचारियों को मैंने संगठित किया। 20 साल की मेरी मेहनत के ऊपर राजीव गांधी की सरकार ने पानी फेरा। चंद मुट्ठी भर कर्मचारियों को खरीद कर उसके बाद 1985-86 के बाद मैंने एम्प्लाइज को संगठित करने का काम त्याग दिया, छोड़ दिया और आज भी मैं इस हालत में नहीं हूं कि एम्प्लाइज का संगठन बना के उससे कुछ मतलब हल कर सकूं। संगठन बनाने का कुछ मकसद होता है, मतलब होता है। भाई ये लाइट बंद कर दो, मेरी आंखें ठीक नहीं है, अभी काफी लाइट है इधर उधर से आ रही है। संगठन बनाने का कुछ कर सकूं, मैं काफी गौर करता हूं, गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि आज हमारी मूवमेंट हमारे मिशन की अभी तक ये हालत नहीं है कि हम ऐसा संगठन बनाकर उससे कुछ मकसद या मतलब हल कर सकें, बल्कि मेरा ऐसा ख्याल बनता जा रहा है कि मुझे अगर कुछ मकसद हल करना है
तो ओपनली खुले तौर पर कर्मचारियों से मुझे नहीं मिलना चाहिए, खुले तौर से मुझे कर्मचारियों से नहीं मिलना चाहिए। अगर मुझे अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, इसलिए खुले तौर से कर्मचारियों से ना मिलके मैं अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा हूं, काफी हद तक बढ़ाया है और आगे बढ़ाने की और उम्मीद रखकर आज मैं चल रहा हूं। क्योंकि खुले तौर पर अगर कर्मचारी मुझसे मिलते हैं तो मूवमेंट को फायदा होने की बजाय नुकसान होने का डर रहता है, कर्मचारियों को भी नुकसान होने का डर रहता है और कर्मचारी आज तक अपना नुकसान कराने के लिए मुझे तैयार नजर नहीं आते हैं। अगर उनका नुकसान होता है तो उनको पछताना पड़ता है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि उनको पछतावा हो। अभी अभी पंजाब में चुनाव हुआ, एक आईजी पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल इलेक्शन कमिश्नर ने इसलिए ट्रांसफर कर दिया, उनको उनके क्षेत्र से हटाकर दूसरे क्षेत्र में ना भेज के रेलवे का आईजी लगा दिया गया। क्या कारण? कि वो खुले तौर से मुझसे मिलता था, खुले तौर पर वो मुझसे मिलता था। मैंने उनसे कई बार कहा कि भाई खुले तौर पर आप मुझसे मिलकर क्या करना चाहते हैं, अभी तो आपकी काफी सर्विस है, अभी तो आप पॉलिटिक्स में भी आना नहीं चाहेंगे, तो आप खुले तौर से जो से मिलते हैं और इस मुलाकात को उछालते हैं तो उससे आपका नुकसान हो सकता है और मिशन का कोई फायदा नहीं होगा, मूवमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन बहुत से आईजी पुलिस, डीआईजी पुलिस, एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सेक्रेटरी, छोटे बड़े सेक्रेटरी, हर महकमे के बहुत से अधिकारी मुझसे मिलते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि वो मुझसे मिलते हैं और उसी के आधार पर मैं अपनी मूवमेंट चला रहा हूं। समाज की मूवमेंट चल रही है, समाज आगे बढ़ रहा है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि मुझसे कौन मिलता है। ऐसा रवैया रखना, खासकर
जो ऊंचे लेवल के अधिकारी है उनके लिए बड़ा जरूरी होता है। जो ऊंचे लेवल के अधिकारी होते हैं उनके लिए बड़ा जरूरी होता है। आजकल जो देश का कारोबार चल रहा है उसमें बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है। हमारी मूवमेंट ना बन सके, हमारी बात आगे ना बढ़ सके, हमें बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है, क्योंकि इसको रोकने के लिए हर तरफ से कोशिश की जाती है। अट्ठाईस तारीख को 35 साल की सर्विस के बाद एक आईएएस ऑफिसर रिटायर हुआ है। आज 2 तारीख है, 2 दिन पहले 28 तारीख को 1962 का सेलेक्ट हुआ आईएएस ऑफिसर 28 तारीख को सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी बनके, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी बनके रिटायर हुआ। सुबह रिटायर हुआ, शाम को उसको चार्जशीट मिल गई। रिटायर होने के बाद एक 35 साल सर्विस में रहे हुए शेड्यूल कास्ट के अधिकारी को सुबह रिटायर होता है और शाम को चार्जशीट मिल जाती है। रिटायर होने के बाद में भी वो सुख शांति से ना रह सके या अपने समाज के लिए कुछ ना कर सके, इस किस्म का आज देश में कारोबार चल रहा है। जब उसको चार्जशीट मिली, उसके बाद मैंने गौर किया कि बड़ी मुश्किल से तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट का आदमी बनता है। सिर्फ 4-5 सेक्रेटरी है शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के 119 में से। 119 सेक्रेटरी देश का कारोबार चलाते हैं। जिन लोगों के लिए बहुत लंबे अरसे से आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उन सारी सहूलतों के बाद आज देश भर में उन लोगों के सिर्फ 4-5 सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं 119 में से। लेकिन 119 में से 65 ब्राह्मण हैं। आज भी 119 में से 65 ब्राह्मण हैं। जब एक शेड्यूल कास्ट का अधिकारी 35 साल की सर्विस के बाद रिटायर होता है तो रिटायर सुबह होता है और शाम को ये लोग, ये अधिकारी उसको चार्जशीट पर थमा देते हैं। उसका जो अपना मिनिस्टर है वो उसको बचाने की कोशिश करता है, वो नहीं बचा पाता है। तो ये सारी बातें मैंने, जो ऊंचे लेवल के अधिकारी हैं जिनके पास दिमाग है, हुनर है,
पैसा भी है। ऐसे अधिकारियों को बड़ी सूझबूझ के साथ हैंडल करना बड़ा जरूरी होता है। इस अधिकारी के साथ, इस सेक्रेटरी के साथ ऐसा क्यों हुआ? स्टेट में सबसे बड़ा सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी होता है। हर स्टेट में चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इस शेड्यूल कास्ट के अधिकारी ने कोशिश की कि वो काफी सीनियर होने के कारण उसकी बहुत सी रिपोर्टें अच्छी होने के कारण जो मेहनत मशक्कत करके चमचागिरी करके, क्योंकि सिर्फ मेहनत मशक्कत से अच्छी रिपोर्टें नहीं आती हैं, मेहनत मशक्कत तो जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी शेड्यूल कास्ट अधिकारी ने अच्छी रिपोर्टें लेनी है तो अपने आप को गिरा के रखना भी जरूरी है। अपने आप को गिरा के मेहनत मशक्कत करके उसने अच्छी रिपोर्टें ली और सोचा कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी बनना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल की गवर्नमेंट को चलाने वाला सबसे बड़ा सेक्रेटरी उसको बनना चाहिए, ये उसका कसूर था। लेकिन जो ब्राह्मण सबसे बड़ा सेक्रेटरी बना उसने सोचा कि एक शेड्यूल कास्ट के अधिकारी की ये हिम्मत तो वो मेरे मुकाबले में आए, इसलिए रिटायर होने के बाद, सुबह रिटायर होता है शाम को उसको चार्जशीट मिल जाती है। मैंने सोचा कि मैं देवेगौड़ा से मिलके वो चार्जशीट को रद्द कराऊं। लेकिन उसी अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप ऐसी कोशिश ना करें, आपके कहने से कहीं मेरा काम और मुश्किल ना हो जाए। मुझे कोर्ट में जाकर ये काम करना होगा। तो इसलिए साथियों, जो आप सोचते हैं मैंने बहुत पहले सोचा है समझा है, और लगभग 25,000 लोगों को कैडर कैंप लगाकर समझाया है। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी बातें समझाने में, खास करके पढ़े लिखे कर्मचारियों को समझाने में मैंने लगाया है। और जब तक मैं ये काम करता रहा हूं, जो बड़े अधिकारी है, बहुत बड़े अधिकारी है, वो मेरे नजदीक नहीं आए हैं। मेरे नजदीक कब आए हैं
जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, हमने एक शेड्यूल कास्ट की महिला को चीफ मिनिस्टर बनाया। एक चमारी को चीफ मिनिस्टर बनाया और एक चमार को चीफ सेक्रेटरी बनाया। और उसके नीचे जो 137 आईएएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश में हमें शेड्यूल कास्ट के नजर आए और 6 शेड्यूल ट्राइब के, उन लोगों को सोचकर हमने उनसे बातचीत करने के बाद, जिनको हमेशा किनारे लगाया गया, उनको सेंट्रल स्टेज में लाने की कोशिश की। एक चमार को हमने चीफ सेक्रेटरी बनाया जो 1962 के बैच का था, और जो 1961 के बैच का था उसको हमने पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया। और शेड्यूल ट्राइब का 1964 के बैच का एक आदमी था, आईएएस ऑफिसर था, उसको हमने चीफ सेक्रेटरी से दूसरे नंबर का जो होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, उसको उस जगह पर लगाया। दोनों जगह पर उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी भी पहले ब्राह्मण था, जो आज देश का सबसे बड़ा सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है दिल्ली की सरकार को चलाने वाला, वो उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी था। उस ब्राह्मण को हटाकर हम लोगों ने एक चमार को मौका दिया। हमें लगा कि ये चमार भी उसी लायकी का आदमी है। दिल्ली से हम उसको लेकर गए, उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी बनाया। लेकिन उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी जो था वो दिल्ली आ गया, और जो शेड्यूल ट्राइब का 1964 के बैच का आदमी था उसको बहुत पीछे धकेला गया था। उसको भी हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी से दूसरे नंबर का अधिकारी बनाया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर बनाया, जिसके अंडर में 6 दूसरे सेक्रेटरी काम करते थे। तो ऐसा इस तरह से उनको ठीक जगह पर रखकर हमने उत्तर प्रदेश के कारोबार को चलाने की कोशिश की। तो ये उत्तर प्रदेश के बहुत से अधिकारियों ने, राव साहब जो उस वक्त देश के प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव साहब से मिले, वो उन्होंने कहा कि भाई हमें सेंटर में ले लो। उत्तर प्रदेश में कांशीराम हमें परेशान करेगा, इसलिए आप हमें सेंटर में ले लो। राव साहब ने मुझसे कहा कि भाई ऐसी उत्तर प्रदेश के जो ऊंची जाति के आईएएस ऑफिसर है उनकी शिकायत है, तो आप थोड़ा उनका ख्याल रखें। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं ख्याल रखूंगा, लेकिन जिनका आज तक ख्याल नहीं रखा गया
उनका भी तो मुझे ख्याल रखना है। जिन लोगों का आज तक ख्याल नहीं रखा गया, क्या मुझे उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए? और फिर वो आपको कहते हैं आके कि भाई हमें सेंटर में ले लो। उत्तर प्रदेश से हमें हटा के सेंटर में ले लो। मैं समझता हूं कि आप उनसे कहें कि आप अपना रवैया सही रखें, सही ढंग से काम करें, यही बेहतर रहेगा। ठीक है, आज आप वो कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में मुश्किल में है, हमें सेंटर में ले लो। मेरा इरादा नेक नहीं है, मेरा इरादा है कि मुझे अपने समाज को सेंटर का हुक्मरान समाज बनाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुजन समाज की गवर्नमेंट होनी चाहिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुजन समाज की होगी तो फिर वो कहां जाएंगे? फिर उनको यूएनओ में भेज देंगे सबको। तो इसलिए हमें बेहतर तो यही है कि हमें इसी देश में रहना है और सही ढंग से रहना चाहिए। मैं भी उनका ख्याल रखूंगा, लेकिन जिनका आज तक ख्याल नहीं रखा गया उनका भी मुझे ख्याल रखना है, और उनके माध्यम से उन करोड़ों लोगों का ख्याल रखना है जिनका आज तक ख्याल नहीं रखा गया। जो लोग अन्याय अत्याचार के शिकार हैं उनका हमें ख्याल रखना है। इसीलिए हम लोगों ने मिलजुल कर ऐसी ये सरकार बनाई है। इसलिए 2 महीने के थोड़े समय में हमें गुंडा एक्ट जो उत्तर प्रदेश में जो शरीफ लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने वो गुंडों के खिलाफ उनकी दिल में रह गई कि हम पुराने पट्टे खत्म करके नए पट्टे देंगे, और जो हम नारा लगवाया है लोगों से कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उस नारे में जान डालेंगे। तो अब उसके बाद वो तमन्ना हमारी दिल में रह गई। हमने सब्र किया कि कभी हम अपने बलबूते पर सरकार बनाकर सरकार चलाने लायक बनेंगे, तब वो सारी पुरानी तमन्नाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN
60336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर आल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा ए टू जेड एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।